नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे सभी का स्वागत है। आज हम जो पुराने कपाड़ में कीट पड़े होते उनकी जो पावर सप्लाई होती है दोस्तों, उनका यूज करने वाले और हम आज बनाने वाले शॉर्ट किलर बनाने वाले हम पैनल के लिए, उसमें हम 40 वोल्ट से लेके 120 वोल्ट तक इस पावर सप्लाई की रेंज कर सकते। पुरानी किट में से पावर सप्लाई को कट कर लेना है दोस्तों। जो पावर सप्लाई को मैंने यहाँ से पूरा कट कर लिया है दोस्तों, और आपको देखना है कि आपका यहाँ पे मेन फिल्टर, कॉइल फिल्टर और PF, रेक्टिफायर डायोड, NTC, ये जो सारी चीज़ें ये सब चाहिए। और मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे एक रजिस्टर और एक PF रहने दिया है, और इनपुट्स कनेक्शन सब निकाल दिए है मैंने यहाँ पे, रजिस्टर वगैरह सब। और आउटपुट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई डायोड लगा नहीं है। और इसी पावर सप्लाई को हम कैसे बनाने वाले शॉर्ट किलर के लिए और कैसे यूज करने वाले, तो पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों। और आज मैं ये पावर सप्लाई उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो शॉर्ट किलर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये शॉर्ट किलर मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इस पावर सप्लाई का जो शॉर्ट किलर बनाने वाले हैं दोस्तों हम, तो ये बहुत ही बढ़िया शॉर्ट किलर बनने वाला है। इसमें एक स्विच भी है, और हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो बंदा इस पावर सप्लाई कौन सी किट में से कट करके मैंने निकाला है, जो कमेंट में बताएगा उसी बंदे को चैनल के 1000 सब्सक्राइबर होने के खुशी में आपको ये कुरियर कर दी जाएगी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये किट कौन सी है और कौन से किट में ये पावर सप्लाई यूज होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आपको लगाने हैं। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट लगाने हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लेंगे दो डायोड, तो इसी पावर सप्लाई में से आउटपुट में से मैंने निकाले है दोस्तों ये जो दो डायोड है, और एक लगने वाला है एक कैपेसिटर, तो कैपेसिटर भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो अभी इसको कैसे लगाना है ये आप पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। और जो भाई वीडियो को पूरा नहीं देखते तो बाद में बताते सर जी आपने सही से बताया नहीं। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों इनपुट वेंडिंग का, दोस्तों आपको एक सवाल पूछा जा रहा है, जो इस सवाल का आंसर सही से देगा तो एक लकी ड्रॉ होगा, और लकी ड्रॉ में एक विजेता का नाम घोषित किया जाएगा और उसे एक ये शॉर्ट किलर कुरियर कर दिया जाएगा। तो सवाल ये है, हम जो ये पावर सप्लाई बना रहे हैं इसे क्या कहते हैं? तो हमें तो पता है इसे शॉर्ट किलर भी कहते हैं, एक एडजेस्टेबल पावर सप्लाई कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं ये सवाल है। जो कमेंट में ये सवाल का आंसर देगा उसे अगले वीडियो में उसकी इमेज और उसको आप ये देख सकते पावर हैं यहाँ पे सप्लाई कुरियर कर दिया जाएगा। इनपुट थैंक यू वाइंडिंग दोस्तों। और आउटपुट वाइंडिंग के दोनों के ग्राउंड सिरे पे मैंने एक डायोड लगा दिए दोस्तों। अभी ये जो कैपेसिटर है दोस्तों इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लस पॉइंट है 110 की रेंज का, यहाँ पे लगाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा सही तरीके से देखें दोस्तों तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप बाद में कमेंट करोगे कि सर आपने कैसे बनाया कुछ समझ में नहीं आया। तो हमारा टॉपिक कुछ अलग ही होता है, इसे बनाने में हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है। हमारे जो गुरुजन है उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है इसे बनाने में। और एक जो डॉयड बचा है मेरे पास उसको हम लगाएंगे यहाँ पे, अभी आपको बता देता हूँ उस डॉयड को कहाँ पे लगाना है। तो हम उसे मोड़ देते हैं, और ये जो आप मार्क देख रहे हैं यहाँ पे उस डायोड को लगाना है।
हमने यहाँ पे ड्रायर को लगा दिया है, उसे शोल्डर कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर कर दिया है ड्रॉयर को। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे जो जम्पर था इसको ग्राउंड पे अलग से लगाना था, तो मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया। ये जो हमारा ग्राउंड था, इसे इस कैपेसिटर के ग्राउंड पे लगाना है। तो ये ग्राउंड मैंने लेके यहाँ पे टच कर दिया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये जो कैपेसिटर लगा था इसको मैंने यहाँ से यहाँ ग्राउंड पे कर दिया है, जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर से आता है। अब हम लेके लाइट और लगा देंगे यहाँ पे, जो एक ड्रायर लगाई थी मैंने यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और एक जो वायर है हमारी, इसे हम लगा देंगे ग्राउंड पर, ठीक है। अभी यहाँ पे लगा दिया है मैंने। और इसमें लगाने के लिए हम लेंगे एक 110 की पावर सप्लाई, इसको मैंने हीट सिंक वगैरह लगा के रेडी करके रखा है। इसकी इमेज में आपको दिखा देता हूँ, ये वाली। तो ठीक है, इसे आपको कैसे लगाना है ये देख लीजिए। जो ये हमारी प्लस कैपेसिटर होता है, इसकी एक सिरा यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इस वायर। और इसका एक ब्लैक वाला सिरा है दोस्तों, हम लगा देंगे उसे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्लैक वाला सिरा को लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन कैसे किए यहाँ पे। तो अब हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि हमारा पावर सप्लाई कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, अब हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे तो कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे हम हमारी ब्लैक प्रॉब लगाएंगे, और यहाँ पे मैंने जो कनेक्टर लाइट को लगाया है, तो यहाँ पे रेड वायर लगा दी मैंने। अभी मैं मेन पावर प्लग इन करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि इसके वोल्टेज कितने होते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसमें मेरे कितने वोल्टेज आ चुके हैं। और अभी यहाँ से मैं आपको वोल्टेज कम ज़्यादा करके दिखाऊंगा, जो हमारे शॉर्ट किलर के बहुत ही काम में आने वाली चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक प्रीसेट घुमा रहा हूँ जो हमारा मॉड्यूल का है, तो हमें कम से कम 40 वोल्ट लगता है। तो यहाँ पे देखिए 40 वोल्ट, और हम पूरा जीरो करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए 24 वोल्ट, और बढ़ा के दिखाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्ट हमारे यहाँ पे आते हैं। 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 65 वोल्ट, 80 वोल्ट, जो हमारे शॉर्ट किलर के लिए यूज करते हैं हम लोग, 100 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 110 वोल्ट तक भी कर सकते हैं, 120 वोल्ट तक भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट किलर हमने बहुत ही बढ़िया बनाया है दोस्तों। आप जो ये मॉड्यूल है, इसका प्रीसेट को निकाल के यहाँ पे कंट्रोलर बिठा के आप बहुत ही बढ़िया इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको कैसे वीडियो लगी दोस्तों, ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।